तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज की सुबह हो चुकी है। सुबह बहुत अच्छी है बिकॉज आज हमारे घर आया है एक नन्ना सा क्यूट सा फैमिली मेंबर। हाँ जी, आपको दिखाएंगे कितना क्यूट सा बेबी आया हमारे घर पे, बहुत सुंदर सा, और इट्स बेबी बॉय। तो चलो मिलते हैं उससे, बहुत एक्साइटमेंट है मिलने के लिए। तो अभी जा रहे हैं, फिर मिलेंगे उससे, दिखाएंगे आपको। फाइनली फ्रेंड्स पहुंच गए थे हम लोग हॉस्पिटल, और ये है नन्ना सा क्यूट सा सरप्राइज, क्यूट सा फैमिली मेंबर, न्यू बेबी बॉय। देखो कैसे कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था इसको लेके गोदी में, इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखो, ये जग ही नहीं रहा था, सोने आँखें ही नहीं खुल रही थी। अभी अभी हुआ है ना, तो रोशनी से इसकी आँखें ही खुल नहीं रही थी। जब अंधेरा करो, हाथ लगाओ, तो थोड़ी सी आंखें खोल के देख रहा था, वरना तो इसकी आंखें बिल्कुल बंद और सोए जा रहा था। हिलाने का, कुछ भी करने का मैं सब तरह से कोशिश कर रही थी, थोड़ी सी आंखें खोले, बस नहीं खोल रहा था, थोड़ी सी खोल के वापस बंद, क्योंकि वो अभी जब होते हैं तो उसके बाद एकदम से नहीं होता है ना बाहर की रोशनी देखना। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी आँखें खुल रही थी, और मुझे लग रहा था कि यार देखे आंखें खोले, पर नहीं। पर इतना क्यूट था, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत सालों बाद सभी को लग रहा था हमारी गोदी में, सबको एक्साइटमेंट हो रहा था कि गोदी में लेना है। और ये बना रहे थे हम उसका फर्स्ट, पहली बार पीने के लिए दूध, तो फर्स्ट टाइम उसे दूध पिलाने वाले थे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बनाएंगे क्या करेंगे, पर बना रहे थे। तो ये गुड मॉर्निंग, वैसे गुड मॉर्निंग तो सुबह हो गई थी, कार में मम्मी ने करी थी विद द गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़ कि मैं बुआ बन गई। तो गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, मेरी गला फिर बैठ गया, मेरी तबीयत ठीक होती है वैसे ख़राब हो जाती है बार बार। बट अभी मेरे पास आया है पार्सल, मैंने कुछ मंगाया था वो, तो अभी मैं अपना पार्सल आज खुद अनबॉक्स करूँगा। मतलब वैसे भी मैं खुद ही करता हूँ, बट कोई वीडियो रिकॉर्ड करता ना, मैं वो खुद भी कर लूँगा और इसको अनबॉक्स करता हूँ और तो देखूँगा सही आया है कि नहीं आया। देखो इसको मैंने फाड़ दिया और मैं इसमें पचकूँगा और ये निकला सामान। तो दीज आर 3 वेरी गुड क्रॉप टॉप्स, बट हैं ये पीला है, मैंने तो बेज मंगाया था, स्कैम हो गया भाई। बट ये दोनों ठीक कलर है, बट इसका तो मैंने बेज मंगाया था, ये पीला क्यों है भाई। कोई बात नहीं, पोपट तो होते रहते हैं, पीला पहन देंगे। यू नो इट्स नॉट पीला, इट्स नॉट बेज, इट्स समवॉट टैनी, गंदा सा कलर है। मैं ये दोनों पहन लूँगी, उसको छोड़ दूँगी। आज हमारे घर में बने हैं अतिस्ती गरम गरम आलू के परौंठे, बहुत दिनों से नहीं बने थे। कितने बहुत दिन, कितने दो हफ्ते रियली। हाँ। दो हफ्ते से तूने पराठे नहीं खाए? नहीं, पिछले सप्ताह आपने बैगन का भरता बना दिया था, ओ थर्सडे, और उससे पहले, मुझे याद नहीं। आलू के परौंठे, चलो जाओ। सो गाइज, आज हमारे घर में बने हैं अतिस्ती गरम गरम आलू के परौंठे, बहुत दिनों से नहीं बने थे। कितने बहुत दिन, कितने दो हफ्ते रियली। हाँ। दो हफ्ते से तूने पराठे नहीं खाए? नहीं,
पिछले सैटरडे आपने बैगन का भरता बना दिया था, ओ थर्सडे थर्सडे, और उससे पहले, उससे पहले मुझे याद है आलू के परोठे। चलो जाओ बाय। तो फाइनली फ्रेंड्स अब सब लोग आ गए मिलने के लिए। सुबह तो हम अकेले आए थे और अब देखो भाभियाँ वगैरह सबको दादी बनने की अपनी खुशी थी। इतने सारे लोग हो गए थे ना, सबको हमारा नंबर हमारा नंबर हमारा नंबर। और वैसे फ़ोटो लेना नहीं चाहिए बट सबको शौक लग रहा था, फ़ोटो लेना है ये करना है। और ये देखो शौर्य भी बैठा था तैयार उसको लेने के लिए कि नहीं मुझे भी लेना है, बट नहीं, सबका नंबर वाइज नंबर आ रहा था, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। और ये डॉक्टर मैम हमारी घर की, ये मामा दादू बन गए भैया। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हो गई हैं और ये सब लोग, आखिरकार सबको रूम से बाहर ही आना पड़ा क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे सब लोग। और ये दादी सबको मिलवा रही थी सारे बाबाओं से, सबसे, सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब इतने खुश थे ना कि हाँ बहुत खुश थे सभी लोग। और अब आ गए शौर्य किंजल पिज़्ज़ा खाने के लिए क्योंकि किंजल कोचिंग से गई थी तो किंजल को बहुत भूख लग रही थी। तो अभी थे फ्रेंड्स पिज़्ज़ा लेने के लिए, ये आई हैं कोचिंग से। पर मैंने नहीं गई थी पिज़्ज़ा खाने, तो मैम को लग रही थी भूख। बात तो यही थी ना, दोनों को लग रही थी। मैंने कही नहीं थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, हाँ इसे डोसा खाना था, उसे पिज़्ज़ा खाना था। अब पिज़्ज़ा ले लिया, अब डोसा देखते हैं। देखो स्माइल कितनी बड़ी, छोटा बेबी से मिल के आ रहा हूँ, छोटा बेबी से मिलती आ रहा हूँ। डर के मारे छोटा बेबी लिया तो है नहीं छोटा बेबी। अरे यार अभी वो छोटा है, उसके लग गई है कुछ हो गया तो। वेरी गुड, सही बात, जीत गए आप। आपको दिए जाते हैं 100 रुपये, कल देंगे कल दे देंगे। चलो भाई, और पिज़्ज़ा खाने के बाद चली रही है पार्टी भाई। अभी तो गाड़ी में चली रही है, क्या है इनको खाना था। किंजल का एक्चुअली मन नहीं था पिज़्ज़ा खाने का, तो वो गई थी डोसा लेने। यहाँ पे मिलता है बिल्कुल घर जैसा डोसा, तो किंजल को खाना था डोसा और उत्पम। तो ये बन रहा था किंजल का डोसा और उत्पम। और अब चल दिए हम घर की तरफ क्योंकि घर तो आना ही था, बहुत लेट हो गया था। और सोचा था पहले लिया था डोसा और उत्पम की खाएंगे, बट नहीं फिर हमने पार्सल करा लिया कि उसको घर पे खाएंगे। और अब क्या पागल हो गई क्या, क्या हो गया, कितने सालों बाद मिली हो दोनों? 4-15 तो हो ही गए होंगे, 4 साल बाद, मतलब 4 घंटे बाद। छोड़ दे उसको, छोड़ दे। नहीं आई हो उधर ही, उससे इससे चपक रही, दांत वांत लगा देगी। तू दूर रह, तेरा रिकॉर्ड थोड़ा सही नहीं है। बस 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 बेला बस बेला बस, चलो बंद करो। तो अब हो गया इनका डिनर का टाइम फाइनली। जो डोसा उत्पम ये पैक करा के लाए थे, इडली मैंने घर पर ही बना ली थी, तो अब इनको खाना है और खा के सोना है। तो ये चल रहा था इनका डिनर बड़ी शांति से। और इसके बाद टाटा बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।